हेलो दोस्तों, हाउ टू चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको माय फर्स्ट पेमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मेरे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है और आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ा और उसमें मुझे कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं माय फर्स्ट पेमेंट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी आप फोन ब्राउजर में आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको गूगल एडसेंस में ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सर्च में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं गूगल एडसेंस सर्च कर लेता हूँ। गूगल एडसेंस सर्च करने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहले वेबसाइट आती है उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको ओके करके गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा जिसमें आपको अपना जो जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर चॉइस करना है, जिसमें आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कुछ लोडिंग लेगा और फिर से आपके सामने एक नया पेज खुलकर ओपन हो जाएगा। फिर आपको तीन डॉट पर क्लिक कर देना है। तीन डॉट पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर ओपन करने के बाद अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो तीन लाइन दिखाई देगी, यहाँ पर क्लिक कर देना है। पेमेंट पर क्लिक करना है, पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है। पेमेंट इन्फो पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पॉपअप खुल जाएगा और यहाँ पर आपको ऊपर देख सकते हो एडसेंस इंडिया, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर लोडिंग होने तक वेट कर लेता हूँ और वेट करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको एडसेंस इंडिया पर क्लिक करके इंडिया डॉलर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो आपको यहाँ पर यू लास्ट पेमेंट इशू और 21 सितंबर यहाँ पर आपको बताएगा और यहाँ पर देख सकते हो $114 मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर $114 की यहाँ पर पेमेंट कितनी होती है वो मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा जिसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो इसके लिए मैं अपनी सबसे पहले जीमेल है वो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जिसमें मुझे एक मेल आया था। मैं यहाँ पर वो मेल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक मेल आया था और यहाँ पर साफ साफ लिखा है वी वेंट ए पेमेंट फॉर यू एडसेंस फॉर यूट्यूब पब्लिश, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो पेमेंट है गूगल एडसेंस की तरफ से वो यहाँ पर 21 सितंबर को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर नीचे आप जैसा कि देख सकते हो रिसीव योर पेमेंट विद इन 5 business days, अगर आपको 5 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आती है तो आप क्या है कि अपने जो बैंक खाता है, जो बैंक की शाखा है उससे आप कॉन्टेक्ट करना, जिससे आपकी जो पेमेंट वो यहाँ पर आ जाती है। अब बात आती है कि मैंने अपने बैंक से कॉन्टेक्ट किया या नहीं। अपनी बैंक से एक SMS आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले जो SMS आया था वो आया था यहाँ पर 23 सितंबर को, यानी गूगल एडसेंस से मेरी जो यहाँ पर पेमेंट है वो यहाँ पर 21 सितंबर को ट्रांसफ़र कर दी गई, लेकिन बैंक में वो जो पेमेंट थी वो यहाँ पर 23 सितंबर को पहुँची। और यहाँ पर देख सकते हो मुझे यहाँ पर जो बैंक के द्वारा यहाँ पर कुछ सूचना भी दी गई है, ठीक है। ये सूचना मैंने देखने के बाद मैंने यहाँ पर बैंक को कॉन्टेक्ट नहीं किया। फिर बात आती है कि मेरी जो पेमेंट वो यहाँ पर कैसे आई। फिर एक SMS और आया मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 26 सितंबर को, और 26 सितंबर को यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर 2:11 मुझे यहाँ पर जो मैसेज आया था और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपकी जो पेमेंट है क्रेडिट हो चुकी है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर जो मेरी पेमेंट है वो यहाँ पर आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक क्लू दे सकता हूँ जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है। तो यहाँ पर मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कि मेरे यहाँ पर $114 हुए हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च बार में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
यहाँ पर मैं $114 इंडियन रुपीस में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो मेरे यहां पर 9328 पेमेंट यहां पर कुछ ऐसा बता रहा है। तो आप यहां पर गूगल में जो सर्च करके आप यहां पर पता लगा सकते हो कि मेरे यहां पर फर्स्ट पेमेंट कितनी आई है, आप पता लगा सकते हो कि मेरे यहां पर जो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट वो यहां पर कितनी आई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।